हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार ये सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार ये सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वहीं किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वहीं किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेड की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेड की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार ये सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वक्फेड की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार ये सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वक्फेड की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार ये सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार ये सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वहीं किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वहीं किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार ये सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वही शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार ये सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वही शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार ये सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार ये सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वहीं किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वहीं किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम शाहरुख खान की फिल्म जवान की न्यू अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान ही छाए हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से ही प्यार मिला था। पठान ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। अब अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबर आ रही थी कि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शाहरुख खान स्टार एटली की अगली फिल्म जवान में एक स्पेशल कैमियो रोल करने जा रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर के अनुसार इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो करने की खबर पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट में कहा गया था निर्माता ने उसे कभी भी कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में अभी तक सिर्फ एक ही कैमियो रोल चर्चा में है, वह संजय दत्त का है। जवान फिल्म सिर्फ अपने कास्टिंग के कारण ही इतनी सुर्खियां बटोर चुकी है कि इस फिल्म के ट्रेलर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एटली के निर्देशक में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। अभी तक फैन ने शाहरुख खान को एक्शन करते हुए भी देख लिया है, लेकिन अब जवान में वह एकदम जुदा अंदाज में नजर आने वाले है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार सभी सितारे साथ नजर आने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान की वर्कफेयर की बात करें तो सलमान खान के साथ टाइगर ट्री में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास डंकी है। वही किंग खान पठान वर्सेस टाइगर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी शाहरुख खान के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं।